हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई बच्चा मेरे को क्लियर करेगा? भैया, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यहाँ पे कोई एक बच्चा चैट बॉक्स में लिख करके बताएगा सब, भैया आपकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ, यस सर, आ रही है। चलो, दो चार टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक है? आज की वीडियो मैंने थोड़ी सी यूट्यूब पर रख दी है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे से भी मिलने के लिए तुम्हारे क्लासरूम में भी आऊं, ठीक है? तो आज की कुछ ये टॉपिक है कि जैसे कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि भैया मैं क्या क्या चीजें लेके जा सकता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर पे, बता दो, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अगर आप बीआर का पेपर देने जा रहे हैं तो आप स्केल लेके जाना, ठीक है? आपको स्केल ले जाना अलाउ है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप स्केल लेके नहीं जा सकते हो, आप स्केल लेके जा सकते हो, तो प्लीज स्केल लेकर के जाना, ठीक है? हमारा एंट्रेंस एग्जाम कल को है, ठीक है? तो सेंटर तक पहुंच जाना और आधार कार्ड अपना ले लेना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है? जो सेकंड वाला सीट में आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी फिल कर लेना, आधार कार्ड अपना ले लेना और कलर पेंसिल लेकर के जाना, ठीक है? कलर पेंसिल लेके जाना, ना कि आप स्केच लेकर के जाना, और स्केच की यूज भी मत करना, ठीक है? ऑयल पेस्टर कलर या फिर आप पेंसिल कलर लेके जा सकते हो, ठीक है? मतलब लेकर के तो आप कुछ भी चले जाओ, लेकिन यूज सिर्फ पेंसिल करना, और मतलब पेंसिल कलर यूज करना और सिर्फ ऑयल पेस्टर कलर ही यूज करना, इसके अलावा और कुछ मत यूज करना। मेरा तो ये मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल कलर का यूज करो। बहुत अगर आपका मन है तो वाटर पेंसिल कलर आते हैं, वो यूज करो, ठीक है? 8 लाइन के आते हैं, सुबह सुबह पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर अभी आपके पेरेंट्स अगर बाहर हैं तो आप उनसे मंगा सकते हो वाटर कलर पेंसिल, ठीक है? वो बहुत अच्छा होता है ड्रॉइंग के लिए, तो वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है? तो कलर पेंसिल आपको लेके जाना है, आधार कार्ड वगैरह रख लेना, और ज्योमेट्री बॉक्स भी मत भूलना। स्केल की मदद से आप प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग में बहुत आपकी हेल्प होगी, ठीक है? तो ये सबसे पहली ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलर पेंसिल लेके जाना और स्केल वगैरह लेके जाना, पेंसिल शार्पनर वगैरह सब कुछ आप खुद कैरी करके लेके जाना फॉर बीआर के एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। यहाँ पे जैसे अभी 8 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे थे, इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, मतलब एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में आपका टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता। किस तरीके से हम टाइम मैनेज करें कि हम तीनों, जो हमारा तीनों एंट्रेंस जो पेपर है, जैसे मैथ है, एप्टीट्यूड सेक्शन है, ड्रॉइंग सेक्शन है, तीनों सेक्शन को कंप्लीट करना जो होता है वो कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, अगर जो पैटर्न आप फॉलो करोगे, ठीक है, सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न आप क्या फॉलो करोगे। सबसे पहले हमें एप्टीट्यूड सेक्शन, जैसे देखो मैं जो लोगों को एडवाइस करता हूँ वो चीज मैं आपको बताने आया हूँ कि सबसे पहले आप एप्टीट्यूड सेक्शन लेके उतरो, ठीक है? अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड सेक्शन की, ठीक है, हमारा जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, ठीक है, एप्टीट्यूड जो सेक्शन है वो हमारा टोटल 50 नंबर का है, ठीक है? 50 नंबर का हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है और हमारे पास टोटल टाइम होता है 180 मिनट्स, ठीक है? आवर में मत देखो, टाइम में देखो। अगर कोई बच्चा बी प्लानिंग की फॉर्म भर रखा है तो उसको और 30 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है? जिन्होंने नहीं भरा है उनके पास टाइम नहीं है, जिन्होंने भर रखा है उनके पास टाइम है, ठीक है? तो जो एप्टीट्यूड का आपका पार्ट है, ठीक है, उसके में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा हर एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है, वो आपको 1 मिनट से ज्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 1 मिनट का है, ठीक है? तो अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप 40 to 45 मिनट्स के अंदर में अपना एप्टीट्यूड सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? तो हमारे वन
80 में से अगर 45 मिनट्स कम होते तो कितने मिनट्स बचते हैं, जल्दी बताना कोई। 135 मिनट्स, मतलब अगर आवर में चेंज करें तो लगभग 2 घंटे हमारे पास और 15 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइम हॉल के अंदर एप्टीट्यूड सेक्शन के 50 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन में टाइम मत लेना, क्योंकि ड्राइंग दो दो आने वाला है, एक पोर्ट्रेट होने वाला है, एक कंपोजिशन होने वाला है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो 135 मिनट हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 135 मिनट में हमारे पास दो सेक्शन है, एक हमारे पास मैथ सेक्शन है और दूसरा हमारे पास ड्रॉइंग सेक्शन है, ठीक है। ड्रॉइंग सेक्शन टोटल हमारे दो क्वेश्चन आने, दो क्वेश्चन हमें करने, एक हमारा पोर्ट्रेट का पोर्शन है, दूसरा हमारा कौन सा है, कंपोजिशन है। या तो कंपोजिशन विद शेप्स करेंगे या तो कंपोजिशन करेंगे हम प्रोस्पेक्टिव ड्रॉइंग वाला, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर हो पा रही है सभी को, क्लियर आवाज आ रही है? अब अगर हम बात करें पोर्ट्रेट की, तो हम पोर्ट्रेट से अपना ड्राइंग का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पोर्ट्रेट बनाते बनाते और ड्राइंग के लिए आपको कितने टाइम दे देने हैं, ठीक है, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैक्सिमम 90 मिनट, मैक्सिमम। उन बच्चों के लिए जिनका मैथ एकदम कमजोर है, जिनको मैथ नहीं आता है, जिनके मैथ के 4-5 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उनको पता है। और जब आप अपना एप्टीट्यूड सेक्शन करो ना, तो एक बार इसी में टाइम निकाल करके ना मैथ सेक्शन को अच्छे तरीके से देख लेना कि मैथ में ऐसे कितने सवाल है, मतलब इतने कितने क्वेश्चन है जो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, आप कोई भी सेक्शन पहले स्टार्ट करो, लेकिन ड्राइंग सेक्शन में मैक्सिमम 90 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाना। पुअर से पुअर स्टूडेंट जिनके ड्राइंग खराब है, मतलब जिनको एकदम इस तरीके से है नोज बनाना, फिर इस तरीके से लिप्स बनाना, बहुत टाइम लगता है, ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, उनको भी 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है अपने ड्राइंग सेशन में, नहीं तो पता चलेगा आप मैथ का देख भी नहीं पाओगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब 90 मिनट्स में कैसे डिवाइड करना है हमें पोर्ट्रेट सेशन और हमारा प्रोस्पेक्टिव सेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पोर्ट्रेट का सेशन है उसको आपको स्टार्टिंग में करना है। अगर पोर्ट्रेट आपका फोर्टी से लेकर के 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मतलब 40 से लेकर के 50 मिनट के अंदर में अगर आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग, जो आपका कॉपी पेस्ट वाला ड्राइंग है, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब मिनिमम मैंने बता दिया, मैक्सिमम इतना, अगर 40 से 50 मिनट के अंदर आपका वो चीज कंप्लीट हो जाता है, तब आप प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग पे आना, वरना सीधे शेप्स वाले कंपोजिशन पे चले जाना और जाकर के वहां पे शेप से कंपोजिशन बना देना, ठीक है। अगर ये टाइमिंग आपकी 50 से बढ़कर के 60 मिनट हो जाती है या फिर 70 मिनट हो जाती है, तो आपके पास रिमेनिंग 20 मिनट बचेगा, और उस 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना, प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग के पीछे मत भागना, शेप वाले कंपोजिशन कर लेना अगर आपको मैथ में 4-5 क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये हो गया हमारा मैथ सेशन, ठीक है, मतलब ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग सेक्शन में आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, पहले पोर्ट्रेट स्टार्ट करना है। अगर पोर्ट्रेट आपका जो है वो 40-50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो आपका कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है वो 40-50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तब आप प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग पे जाना। अगर वो 50 मिनट से ज्यादा चला जाता है, मतलब 60 मिनट में चला जाता है, मतलब 1 घंटे टाइम लग जाते हैं आपको कॉपी पेस्ट करने में, मैं खराब से खराब स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर वो 1 घंटे से ज्यादा चला जाता है, तो आपको क्या करना, आपको चुपचाप शेप्स वाले कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस लेकर के स्टार्ट कर देना, ठीक है, मतलब जो शेप्स वाले क्वेश्चन है हमारे, डिफरेंट डिफरेंट शेप से जो हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, आपको ज्यादा यूज मत करना। अभी मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, बस मेरे को 4-5 मिनट दे दो, मैं अपने जो टॉपिक को लेके आया हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ एक बार, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचता है, ठीक है, रिमेनिंग टाइम कितने बचे, मैंने 45 मिनट्स अपने एप्टीट्यूड सेक्शन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, मैंने टू मैक्सिमम जो है 90 मिनट अपने किस में गवा दिए, ड्राइंग सेक्शन में गवा दिए। देखो ये दोनों का अगर परसेंटाइल थोड़ा भी गिरा तो तुम्हारे पूरे मतलब होल परसेंटाइल जीरो चला जाएगा, ठीक है, तो इन सब का जो परसेंटाइल है वो आपका 95 प्लस होना ही चाहिए, तो इन दोनों पे तो पहले ही इसको कंप्लीट कर लेना। अब टाइम कितना बचा मेरे को बताओ जल्दी से, 135 मिनट हमने खत्म कर दिए टोटल, 180 में से अगर 135 माइनस करते हैं तो कितने टाइम बचे जल्दी बताओ, लगभग हमारे पास 45 मिनट्स और बचे। इन 45 मिनट्स में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी मैथ सेक्शन का करके आते हो, 5 से 6 क्वेश्चन भी, ठीक है, मैक्सिमम मैंने बोला 6 से 7 क्वेश्चन करके आ जाना, आपकी 90% कोई नहीं काट रहा जेई मेन बी आर में। मैंने 2021 भी देखा है, 2022 भी देखा है, 2023 भी देखा है और 2024 भी देख रहा हूँ, ठीक है, अपने टाइम में 2018 भी देखा है, 2019 भी देखा है और 2020 भी देखा है, 2021 से मैं यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। जिस बच्चे ने 6 से 7 क्वेश्चन सही कर दिया ना, उनके 90% से ऊपर मैथ में कोई नहीं काटता है बी आर में, ठीक है, इतनी बातें आप याद रखना। तो ये रहे आपके पेपर पैटर्न, घर ही पे एकदम आपकी नजरें रहनी चाहिए, और जिनके पास 35 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है फॉर बी प्लानिंग, ठीक है, वो तो फिर लास्ट में आप अपना चाहो तो ड्राइंग सेक्शन भी चेक कर सकते हो, ड्राइंग सेक्शन चेक कर सकते हो, उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो और भी ऐड कर सकते हो, जिन बच्चे के पास बी प्लानिंग की टाइमिंग है, ठीक है, तो वो ये सब चीजें भी ऐड कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, अब आप ही के क्वेश्चंस की सभी की जवाब देंगे, तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपके फटाफट पूछ लो, ठीक है। सबसे पहले शुरू से क्वेश्चन मैं सिद्धि ठाकुर से स्टार्ट करता हूँ, पोस्टल कलर अलाउड है, पेस्टल कलर यार देख सिंपल कलर यूज करना है वो हमारा है पेंसिल कलर, ठीक है, पेंसिल कलर के अलावा आप कोई कलर मत यूज करना, ठीक है। सर मैथ के लिए कुछ बता दीजिए यार, मैथ के टीचर भी थोड़ी देर बाद आएंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। ऑडियो नहीं आ रही, ऋतिक देव आ रही, आप कोशिश करो कि ईयरफोन का यूज मत करो, ईयरफोन में आवाज नहीं आएगी, Do not use earphone. सर मेरा एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो सही है पर मैथ के लिए कुछ बता दीजिए। यार देखो मैथ में निगेटिव मार्क्स मत देना, ठीक है, अगर नहीं आए तो छोड़ के चले जाना, ठीक है, लास्ट मोमेंट में मैं तुम्हें कुछ पढ़ा तो सकता नहीं हूँ, और ये भी नहीं कह सकता कि मतलब निगेटिव मत देना, ऐसा भी मत करना कि देखो मैंने वैसे भी स्टूडेंट को स्कोर करते हुए देखा है और SPA दिल्ली जाते हुए देखा है जिन्होंने मैथ में 0 टच किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मैथ में 0 टच किया था और वो आज SPA दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी रैंकिंग 400 के अंदर आई है, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग मत देना, ठीक है, मतलब कुछ गलत मत करके आना, खास करके आपने एप्टीट्यूड सेक्शन और ड्राइंग सेक्शन को मजबूत करके रखना, ठीक है, उन दोनों में जब 98 और 99 परसेंटाइल फोड़ दोगे तो तुम्हारी परसेंटाइल ओवरऑल जो बन के आएगी वो 98 प्लस ओवरऑल बन के ही आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं जो मैथ में भी निगेटिव मार्किंग करके आएंगे और उनके निगेटिव में 30-40 स्कोर जाएंगे, ठीक है। सर ड्राइंग क्वेश्चन मोर, सर व्हाट टाइप ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन कैन बी एक्सेप्ट, देखो ड्राइंग के जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपका कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन में जैसा मैंने तुम्हें शुरू में कहा है कि 50 मिनट से ज्यादा टाइम मत लगाना, ठीक है, जिस तरीके से बन पाए बना करके निकल जाना,
और अगर 50 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो उसके बाद दो हमारे क्वेश्चन आते हैं, या तो शेप से कंपोजिशन आते हैं या फिर तेरे प्रोस्पेक्टिव वाले ड्राइंग आते हैं, ठीक है, जिसमें कंपोजिशन क्रिएट करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि या तो तुम, अगर तुम्हारे 50 मिनट से ज्यादा पोर्ट्रेट में लग जा रहे हैं, तो तुम सीधे की सीधे चले जाना अपने शेप से कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है यार। देखो इंग्लिश दिल से नहीं निकलता, हिंदी दिल से निकलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोशिश करो, अगर आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड है। प्लीज रिप्लाई सर, ड्राइंग क्वेश्चन मोर। कुछ मैं तुम्हें ड्राइंग के क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, अगर तुम लोग टाइम दोगे मुझे को तो। फॉर द एग्जांपल मैं कुछ, मतलब लास्ट मोमेंट है, मैं ज्यादा तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें बता दूं। दो मिनट दे देना मेरे को। आप लोगों को ये पीपीटी अच्छे तरीके से दिख रही है? क्या आप लोगों को ये पीपीटी अच्छे तरीके से दिख रही है, आप मेरे को बता सकते हो? आप लोगों को ये पीपीटी दिख रही है अच्छे तरीके से? को रिप्लाई कर सकते हो, ये पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? यस सर, ओके ठीक है। तो अभी हम ना थोड़ा सा देखेंगे, एप्टीट्यूड सेक्शन भी देखेंगे। एप्टीट्यूड सेक्शन पहले देखें कि पहले ड्राइंग सेक्शन देखें? कौन सा सेक्शन देखना है आपको? एप्टीट्यूड सेक्शन पहले देखोगे कि ड्राइंग सेक्शन देखोगे? जल्दी बताओ, फिर उसी हिसाब से उसकी इमेज निकालूंगा मैं फाइल, नहीं तो फिर आगे मैं पढ़ जाऊंगा। पहले ड्राइंग का मैसेज आया तो पहले हम ड्राइंग देखेंगे, ठीक है। देखो जो ड्राइंग का सेशन आपके होने वाला है, जो ड्राइंग के पेपर्स आने वाले हैं, वो आपके देखो दो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक हमारा मेमोरी ड्राइंग होगा जो कि फेस्टिवल की बेसिस पे हो सकता है, ठीक है।
अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वैसे तो टाइम बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत फेस्टिवल पे प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपका ठीक है, जैसे ड्राइंग में फेस्टिवल हो गया, कंपोजिशन विद शेप्स, ठीक है, इन दोनों में और करके आएगा, ठीक है, या तो आप फेस्टिवल से कंपोजिशन बनाओ या फिर आपका कंपोजिशन विद शेप्स आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर डिकोड द इमेज, बेसिकली डिकोड के चक्कर में मत पढ़ना, लास्ट मोमेंट का टाइम है, डिकोड के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट पे फोकस करना है, डिकोड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मेमोरी बेस में किस तरीके के फेस्टिवल के क्वेश्चन आएंगे, ये पेपर दिख रहा है सबको अच्छे तरीके से, ये दिख रहा है। अब इसमें क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके में एक हो जाता है निगेटिव स्पेस और एक हो जाता है पॉजिटिव स्पेस। निगेटिव स्पेस क्या होता है, जैसे ये जो स्पेसेस है, दीज आर निगेटिव स्पेसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो ड्रॉइंग हम करेंगे, ठीक है, उसमें कम से कम निगेटिव स्पेस देना है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस का यूज करना है। इसीलिए कोशिश करना कि आप जो भी चीज बनाओ, ठीक है, जो भी ड्राइंग बनाओ उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेसेस का यूज करो, कम से मतलब जितने भी स्पेसेस हैं उसका यूज करना है, कम से कम वाइट स्पेस छोड़ना है, ठीक है, वाइट स्पेस हमें ज्यादा नहीं छोड़ना है, जिससे कि हमारा ड्रॉइंग भद्दा ना लगे, खराब ना लगे। तो कोशिश ये करना कि निगेटिव स्पेस मत छोड़ना, पॉजिटिव स्पेस डालना। अब पॉजिटिव स्पेस कैसे भर सकते हैं, तो वो भर सकते हैं दिस टाइप ऑफ ह्यूमन फिगर का यूज करके, ठीक है, इस तरीके से लॉट्स ऑफ ह्यूमन फिगर और लॉट्स ऑफ लैंडस्केप का यूज करके आप अपने ड्राइंग सेशन में, जो आपका ड्राइंग का है, ठीक है, उसमें आप पॉजिटिव कर सकते हो अपने पूरे पेपर शीट को, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पेपर शीट रहता है और एक छोटी सी ड्राइंग हमें बनानी होती है, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या करना है, व्हाइट स्पेस नहीं छोड़ना है, व्हाइट स्पेस को अवॉइड करने के लिए हम अपना ट्रीज वगैरह का यूज कर सकते हैं और ह्यूमन फिगर डाल सकते हैं, जिससे कि आपके जो पूरे स्पेस का यूज हो जाए, ठीक है। तो जब आप पूरे स्पेस का यूज करोगे तो ऑब्वियसली जो चेक करने वाला होगा, जो आपको मार्क्स प्रोवाइड करने वाला होगा, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका। अब अगर शेप से कंपोजिशन की बात करें, शेप्स के कंपोजिशन की, ठीक है, तो जो शेप से कंपोजिशन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली कॉन्सेप्ट का यूज करना है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट दो तीन चीजों का होता है, मैं आपको लास्ट मोमेंट में बताना। देखो कॉन्सेप्ट या तो हम किसी चीज से रिलेशन कर देते हैं, फॉर द एग्जाम्पल हमने रिलेट किया है, ये जो शेप से कंपोजिशन मेरे स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, ये किस चीज से रिलेशन क्रिएट किया गया, कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे लाइव में, यार फटाफट जवाब आना चाहिए, फिर लाइव में मजा आता है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो कंपोजिशन बना हुआ है, जो रिलेशन दिख रही है किसी चीज से आपको यहाँ पे, कितनी रिलेशन दिख रही है आपको यहाँ पे, किसी चीज से रिलेटेड दिख रहा है, ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो कंपोजिशन क्रिएट किया गया है, ये बेसिकली रोबोट से मिला करके कंपोजिशन क्रिएट किया गया है, ठीक है, बेसिकली रोबोट से रिलेट करके इस इमेज को बनाया, मतलब इस कंपोजिशन को बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और हो सकता था कि इसमें हम ऐड कर सकते थे, क्या ऐड कर सकते थे, कलर थ्योरी का भी यूज कर सकते थे, जिसमें हम प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भी यूज करके हम कंपोजिशन में एज अ कॉन्सेप्ट उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ कलर थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स है, उसका भी यूज करके हम इस कंपोजिशन में डाल करके इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये भी एक मतलब अगर शेप्स वाले कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीज भी इंप्लीमेंट करना, रौनक सपना इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कि आपको इस टाइप के कंपोजिशन में कूल कलर यूज करना है, वार्म कलर यूज करना है। अगर नहीं लिखा हुआ है किस टाइप के कलर यूज करने हैं तो कोशिश करना कि तुम लोग प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी, मतलब इस टाइप के कलर्स का यूज करना, ठीक है। तो जो चेक करने वाला आएगा वो एक आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो प्राइमरी कलर देखेगा उसको पहचान में आ जाएगा इस बच्चे ने प्राइमरी कलर का यूज किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कलर का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको जो शेप्स वाले कंपोजिशन है उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू अगर आप ऐसे ही बना करके रख देते हो, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब आप लोग समझ गए। अब देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि आपको बाइक के डिफरेंट पार्ट से कंपोजिशन क्रिएट करना है और कोई थ्री कलर्स का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे स्टूडेंट ने जो मतलब जो कंपोजिशन क्रिएट किया है, ठीक है, अगर फॉर द एग्जांपल दिस इज अ राइट आंसर जो मेरे पास मिला था, जैसे फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट ने बताया ऑर्गेनिक शेप, तो मैंने ऑर्गेनिक शेप का यूज किया था। तो ये सारे कहीं है जवाब असली ये है। तो इस तरीके से आपको शेप से कंपोजिशन क्रिएट करना था, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलेंगे उससे मिला करके कंपोजिशन क्रिएट करना था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शेप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे ट्रायंगल हो गए, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये भी रेक्टेंगल, स्फीयर स्फीयर, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट, जो भी बाइक के डिफरेंट डिफरेंट मोटरसाइकिल के पार्ट्स थे उससे ये कंपोजिशन क्रिएट किया गया। लेकिन इसमें जो कलर यूज किए गए हैं वो कौन से कलर यूज किए गए हैं, कोई यहाँ पे है ऐसा जो मेरे को बता पाएगा कि कौन से कलर स्कीम का मैंने यहाँ पे यूज किया है जिससे कि ये जो ड्रॉइंग है वो इफेक्टिव बने जब मैं एग्जामिनर मेरे ड्रॉइंग को देखे। बताओ जल्दी कौन से कलर स्कीम का यूज किया गया, जल्दी बताना जल्दी। लाइव सेशन में आए हो तो कुछ लेके जाओ, ये लास्ट मोमेंट का लाइव सेशन है, ठीक है। और मैं भी बिना पंखे के तुम्हारे प्राइमरी कलर, वेरी गुड। तो तुम्ही दोनों सुन, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई, प्राइमरी हो। तो इस तरीके से प्राइमरी कलर का यूज किया गया है, तो जो चेक करने वाला बंदा होगा उसको दिखेगा कि यहाँ पे क्या यूज किया गया, प्राइमरी कलर यूज किया गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी शेप्स वाले कंपोजिशन बनाओ, या तो किसी चीज से रिलेट करो या फिर कलर में कंपोजिशन यूज करो, ठीक है। व्हाट ड्राइंग मटेरियल, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, कोशिश करना पेंसिल कलर का यूज करने का, ठीक है, पेंसिल कलर ही यूज करना, और आप मतलब स्केल वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा डिकोड, ठीक है। तो डिकोड अगर इस पीपीटी में अवेलेबल होगा तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें डिकोड वाला भी बता दूं, ठीक है, कि डिकोड किसे कहते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो। लास्ट में आई थिंक शायद अवेलेबल हो, वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि इसमें डिकोड अवेलेबल होगा एक्चुअली। ऐसे मैंने डिकोड पे वीडियो बना रखा है, अगर तुम चाहो तो जा करके देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन आए थे पिछली बार जेई मेन पेपर 2 में, लेकिन इसके आंसर गलत थे। तो ये क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को पूरा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये हमारे एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, मतलब पिछले से पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बच्चे वाला क्वेश्चन पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज सिखा के जाऊं जो आपके आगे भी थोड़ा काम दे, ठीक है। लास्ट मोमेंट में सब कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता,
लेकिन कोशिश करूंगा जितना भी अभी देके जाऊंगा वो अगर कल को पेपर में आता है तो वो आपकी बहुत मदद करके जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग की जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ध्यान से रखना और उन सब चीजों को फॉलो करना अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है। जब फॉलो करोगे तो मार्क्स आएगा, ठीक है भैया। 3D मॉडल मेकिंग ना अभी नाटा में है और अभी टाइम है जेई मेन पेपर 2 का, ठीक है आदित्य। तू शांत रह थोड़ी देर और अभी जेई मेन पे फोकस कर ले, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिकली इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये जेई मेन के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि सर मतलब जो लैंड साइज एक जमीन है, ठीक है, आपकी खुद की भी जमीन होगी, ठीक है, मतलब जमीन क्या कह सकते हैं, प्लॉट है, ठीक है, जिसका साइज क्या है। एक्चुअली ये कलर आपको दिख रही है कि मैं रेड कलर यूज करूं, 80 मीटर बाय 40 मीटर, ठीक है, ये हमारा प्लॉट साइज है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ फॉर अ हाउस, ठीक है, डिजाइन इज ड्रॉन ऑन अ पेपर स्केल ऑफ 1:100, ठीक है, एक पेपर है, ठीक है, फॉर द एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये A4 सीट है, ठीक है। मुझे इस 80 बाय 40 के लैंड को 1:100 की रेशियो में इस वाले A4 पेपर पे डालना है, ठीक है, सेम स्केल में डालना है, मतलब इस लैंड को उठाना है और यहां पे डालना है, सेम स्केल में डालना है। तो मुझे बताओ कि इनमें से सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ सारे ऑप्शन गलत है, जेई मेन का ये क्वेश्चन ही गलत था उस साल का। तो मुझे बताओ कि ये जो लैंड मतलब इसमें साइजेस क्या होगा कि 1:100 में होगा और ये परफेक्टली A4 साइज में बैठ, मतलब जो भी सीट हम ले रहे हैं उसमें जाकर के परफेक्टली बैठ जाए, और इसका यहाँ पे साइज क्या होगा जब हम इसको 1:100 की रेशियो में करेंगे। तो जल्दी बताना कोई मेरे को, 80 मीटर है और साथ में 40 मीटर है, तो जब हम इसको फॉर द एग्जांपल मीटर में लिखते हैं तो कितने में लिखेंगे, ठीक है, जल्दी बताना कितने में लिखेंगे, मीटर में ही जवाब देने की कोशिश करना, जल्दी बताओ 1:100 की रेशियो में, ठीक है, तो पेपर में उसकी साइज कितनी होगी, कितने स्केल में। बेसिकली क्या होता है, फॉर द एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि जैसे ये हमारा कुछ एग्जांपल में है, इसको हमको ना छोटा करके परफेक्ट स्केल में, जैसे फॉर द एग्जांपल इसको हम 4 गुना छोटा कर दिए तो 4 गुना छोटा ये इतना बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा तो हम इसको अच्छे तरीके से अगर हमें इस ग्लास में डालना है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर परफेक्टली इसको हमें डालना है तो इसको स्केल करके हमें कितना छोटा करना पड़ेगा, हाफ छोटा करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार डिवाइड मतलब कितने के स्केल में हम इसको डालेंगे तो होगा, जैसे सपना का आंसर आया 0.8 मीटर इंटू 0.4 मीटर, ठीक है, सेम इट इज जो हमारा 40 मीटर है, ठीक है, कितने के स्केल में डालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ जो स्केल है वो 1:100 है, ठीक है। तो जब 1:100 है तो हमें क्या करना है, 100 से इसे डिवाइड कर देना है। जब हम 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताना सब, ठीक है यार। ये YouTube पे लाइव स्लो जाता है क्या, मैं बोलता हूं अभी जवाब आते हैं मेरे को 4 दिन बाद। सपना सलोनी आदित्य देसाई सिद्धार्थ दुबे, अगर हम इस 80 मतलब 40 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है 0.4 मीटर, सेम इट इज हम 80 को भी 100 से अपना डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 0.8 मीटर। तो जब हम 0.8 मीटर की लाइन लेंगे पेपर में और 0.4 मीटर की लाइन लेंगे तो ये परफेक्ट प्लॉट बनेगा हमारे पेपर पे, और जब हम उसको 100 गुना करेंगे तो वो उसका एक्चुअल साइज मेरे को आ जाएगा कि उसका जो एक्चुअल साइज है वो इतना, क्लियर।
क्लियर हो गया सबको? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एप्टीट्यूड सेक्शन में देखने को मिलेंगे। एक और नीचे भी क्वेश्चन है, अगर कहोगे तो मैं ये भी तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो फिर अगर छोड़ दोगे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम इटीज से एक और क्वेश्चन उसी साल देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें कहा गया स्केल ऑफ अ मैप ऑफ 1:2000, एक मैप है, ठीक है, मतलब एक प्लान है बेसिकली जिसका स्केल 1:2000 है, ठीक है, 1:2000 है। आप जब भी गूगल मैप देखो तो नीचे इस तरीके से स्केल बने होते हैं, ठीक है, जितना जूम इन करोगे, जितना जूम आउट करोगे, स्केल वहां पे बढ़ता और घटता रहता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, ए से बी, ठीक है, अ कार ट्रेवल 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया ए से बी ऑन द मैप, मतलब मैप पे 7 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है, रोड पे 7 सेंटीमीटर ट्रेवल नहीं किया, ठीक है, मैप पे 7, देन हाउ मच द कार हैज ट्रेवल इन ओरिजिनली, उसने कितना ट्रेवल किया, अगर उसने मैप पे 7 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, और जो मैप है वो किस स्केल में, 1:2000 की स्केल में है, और 7 सेंटीमीटर अगर उसने ट्रेवल किया है तो मुझे 7 सेंटीमीटर ऑन मैप, ठीक है, तो मुझे बताओ फटाफट कि एक्चुअल में उसने कितना ट्रेवल किया होगा, जल्दी बताना। देखो स्केल है मैप का 1:2000, कितने दूर चला, 7 सेंटीमीटर चला, एक्चुअल में कितना होगा, 7000 सेंटीमीटर, वहां पे मैंने डिवाइड किया था, यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो कितने हो गए। अब क्वेश्चंस में देख लेते हैं, क्वेश्चंस में क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस कुछ पूछता हूं, इसके फटाफट जवाब दियो, ठीक है। कितने एमएम में, मतलब 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, कोई मेरे को बताएगा 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। वन मीटर में कितने एमएम होते हैं, कोई मुझे बताएगा, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं, जल्दी बताना। 1000, ओके, वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सिद्धार्थ, सौ सेंटीमीटर, ठीक है, और कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है, कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर हो जाता है, जल्दी, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मच 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, वन किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, जल्दी बताओ यार तुम लोग, एकदम 10,000,
1 लाख, वाह 50 लाख नहीं है। सही है, डन। इसी तरीके से मेरे को जल्दी बताओ ये 7000 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो मीटर में है। जल्दी बताना जल्दी, फिर अगले सवाल पे भी जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। आज मैं लेके चलूंगा आपको रात को, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मैं भी नहीं चाहता आप बहुत लंबे टाइम तक बिजी रहो। ठीक है, आधे घंटे में छोड़ दूंगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि कल पेपर है और आज मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर तक थको। ठीक है सर, मैंने गलत से भर दिया था बच्चों सो इसीलिए कोई स्कोप है क्या, फील्ड की नॉलेज नहीं है सर, मैंने गलती से भर दिया था बी आर सो इसके का कोई स्कोप है? इतना स्कोप है कि आप बेरोजगार नहीं बैठोगे। ठीक है, अगर आपके हाथ में एक लैपटॉप है और अगर आपके पास बीआर की डिग्री है तो आपका 50,000 का सैलरी 2 साल बाद कोई नहीं काट रहा, आज के टाइम से बता रहा हूँ, 5 साल बाद और बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास एक लैपटॉप है तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बीआर एक ऐसी चीज है जैसे मतलब एक, अगर आप फर्स्ट टाइम बीआर मतलब अपने पूरे फैमिली में अगर फर्स्ट टाइम बीआर की हो तो थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहेगा 4-5 साल, लेकिन जो आप बना के जाओगे आपके पूरे पूछ आराम से देखते जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा रियलिटी पे बात करता हूँ, जो मार्केट में चल रहा है वो बात करता हूँ। ठीक है, बहुत पैसा है लेकिन पैसा तुरंत बनता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और मतलब आपको तुरंत अगर 50 लाख का पैकेज चाहिए तो भैया आर्किटेक्चर छोड़ दो, फिर तो आर्किटेक्चर नहीं करो। और अगर आप टाइम दे सकते हो कम से कम 5-7 साल इसके लिए, तो 50 लाख क्या आप करोड़ों रुपए भी देख लोगे। ठीक है, फिर आप दूसरों को सैलरी दोगे। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है उसके बाद। चलो उस पर अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, अब हम कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख ले फटाफट, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। देखो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। ठीक है, सारे जाने हुए क्वेश्चन हैं, बस आपको एक बार फिर से रिविजन कराना चाहता हूं मैं। ठीक है, देखो ये जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें हमारा टॉप व्यू साइड व्यू होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, मैं उसको बता तो दूं कि मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो झूठ मूठ का वो परेशान होगी। एक्चुअली मेरा फोन भी ऑफ हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण से वो परेशान हो रहे होगी, मेरे को 1 मिनट दे दो बस, मैं फोन अपना चार्ज में लगा के आ दूँ। अब देखो जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें क्या है, प्लान टॉप व्यू और साइड व्यू पूछ रहा है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन से जल्दी जल्दी करते हैं, इस इन सब क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, ये आपका इस साइड का व्यू पूछ रहा है, मुझे जल्दी से बताना कि इस साइड में कौन सा व्यू है। हर स्टूडेंट फटाफट जवाब देगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेने का, ये सब मतलब बहुत फालतू सवाल है, अगर तुरंत ज्यादा टाइम लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। ठीक है,
जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, बेसिकली हमारे इस साइड का व्यू पूछ रहा है कि इस साइड मतलब हर क्वेश्चन के इस साइड का व्यू क्या है, ठीक है। बेसिकली इसे साइड व्यू वाले क्वेश्चन कहते हैं। कुछ बच्चे फोर कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, सी और डी में क्या कंफ्यूजन है मेरे को जल्दी बताओ। डी किसने, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर किसने, सलोनी। अगर तुमने ऐसी गलती करके आई अगर एग्जामिनेशन में इस बार सलोनी, तो देख लियो। ये चीज तेरे को दिख नहीं रही है यहां पे, कहां से आ गई ये, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखेंगे इस तरीके से है, नेक्स्ट फिर ये और उसके ऊपर ये, ध्यान एक जल्दी ऐसी भी नहीं करनी कि हम गलत करके आ जाए, ठीक है। ऐसी भी गलती नहीं करनी है, टाइम नहीं लगाना कि जिसमें लगे कि भैया हम छोड़ के आ गए, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, वो जो हमारा था वो एक टाइप का क्वेश्चन था, इसके अलावा वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, फटाफट बताओ मेरे को क्या आंसर होगा, जल्दी बताना, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है, अगर हमारा इमेज इस तरीके से है, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूं, अगर उसका टॉप व्यू ये है तो उसके सामने वाला व्यू, ठीक है, ये फ्रंट से व्यू पूछ रहा है। एलिवेशन का मतलब फ्रंट से व्यू होता है, तो जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर टू किसी ने बोला है, जिसने भी बोला है थोड़ा सा ध्यान दे करके फिर से क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर एक ऑप्शन नंबर वन, तो जो आंसर है हमारा वो वन है। क्यों है, आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। अनुष्का ये देखो, आप सबसे पहले हमें इन सब चीजों के व्यूज दिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल थोड़ी है कि इस तरीके से, और ये आगे के सारे पोर्शन आपने हटा दिए, जो भी थ्री नंबर बोल रहा है मेरे को ये बताओ कि तुमने ये कर दिया, यहाँ पे कितने लाइंस आ रहे हैं। बहुत खराब स्थिति है पढ़ाई, कौन पढ़ा रहा तुम बोल रहा है, यूट्यूब तो डेली लाइव जा रहा है ना। ये दिख रही है आपको, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अब इसके आगे हमारे पास तीन ट्रायंगल है, तो जब हम आगे से देखेंगे तो मुझे एक बात बताओ, पहले ये दिखेगा कि पहले ये दिखेगा, जिसने ऑप्शन नंबर थ्री बोला है। और अगर ये दिखेगा तो पहला लाइन ये फॉर्म होगा, दूसरा ये फॉर्म होगा, तीसरा ये फॉर्म होगा, चौथा ये फॉर्म होगा, और पांचवा ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने लाइन आएंगे, एक दो तीन चार पांच, ना कि ये दो या फिर कम, ठीक है। तो कोशिश करो कि जब भी एलिवेशन वाले क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन को एक पेपर पे ड्रॉ करना और इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लेकर के देख लेना कि कितने लाइनें आ रही है। जितने कॉर्नर्स फॉर्म होंगे उतनी लाइनें आएंगी, ठीक है। सेम इट इस तरीके से 3D फोल्डिंग वाले क्वेश्चन है, मेरे को फटाफट बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाय अनुष्का, हाय, बताइए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं सॉल्व करता जाऊंगा, साथ में पीछे वाले क्वेश्चंस भी करता जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, मैं आधे घंटे से ज्यादा और रुकना नहीं चाहता और आपके टाइम को खराब करना नहीं चाहता, ठीक है। तो फटाफट जो भी क्वेश्चन है पूछते रहना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, ये सारे बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर ध्यान से हम देखते हैं इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट होते हैं, ठीक है। जब भी आपको 3D फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस दिखे तो इसमें नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करने का, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम इस वाले क्वेश्चंस का नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, कितने नंबर ऑफ टोटल सरफेसेस है, 16 है।
इन सब को अगर आप काउंट करोगे तो ये 16 से कम है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 नंबर ऑफ सर्फेसेस कितने हैं? 16 है, तो आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। सेम अगला जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है वो हमारा है मिरर द इमेज, ठीक है, जिसमें हमें इमेज को मिरर करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है? इमेज को मिरर करना होता है। फॉर द एग्जांपल अगर इस तरीके से आपको इमेज दिखे, ठीक है, मतलब समझ लो यार कि ये एरो दिख रहा है, एरो के सामने अगर इस तरीके से एक्स एक्स ओरिजिन की लाइन है तो हमें एरो को ऐसे करके पलट देना, यही है मिरर द इमेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये बना हुआ है और मुझे बताओ कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताना बिना टाइम लिए हुए। सपना कह रही है 1, गारंटी सपना 1, इसमें हमारा जो ओरिजिन है वो नीचे है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो एप्टीट्यूड में तो एक बार कोशिश जरूर करना, एक दो मिनट ही टाइम लेना, लेकिन ये चीज जरूर कोशिश करना कि दूसरे ऑप्शंस को रॉन्ग कर सकें। अगर आप दूसरे ऑप्शंस को रॉन्ग करोगे तभी जाकर के जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो आपका परफेक्ट राइट होगा। तो 2 सेकंड टाइम लेकर के एक एक बार देख लेना कि क्यों ये सारे गलत है। तो भैया क्यों गलत है? इसका और इसका शेप सेम है नहीं, इसने मारे हैं मिरर इस साइड, इसने सेम उठा करके डाल दिया और इसका भी शेप अलग रखा है। मैंने अपने सारे ऑप्शंस गलत कर दिए, मुझे मेरे ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया है उस पर कॉन्फिडेंट है कि वो ऑप्शन सही होगा, मैं अगले क्वेश्चन पे बिना किसी गिराव के जा सकता हूं। मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचूंगा, जब मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा अपने क्वेश्चंस को तो मैं अगले क्वेश्चन के बारे में पिछले क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचूंगा। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ सर्फेसेस हैं, फटाफट काउंट करके बताना। ये भी हमारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट करने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, नंबर ऑफ सरफेसेस काउंट करना फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ ड्राइंग के क्वेश्चन है, माथा का दर्द क्वेश्चन है, एक बार आया था उसके बाद आया नहीं आज तक, 2021 में आया था, क्वेश्चन देने वाले को भी कंफर्म नहीं था कि आंसर क्या होगा। अब मुझे ये क्वेश्चन का बताइए, कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आगे अगर जाएगा तो 8 का क्या होगा, 8 का होगा 10, 10 का होगा 12, 12 का होगा 14, इस तरीके से बचपन से करते आ रहे हैं, उसी तरीके से सेम के साथ गेम करना है, ठीक है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा फटाफट बिना टाइम लिए हुए, ठीक है, एग्जाम देने कल जा रहे हो ना, फटाफट बताओ जल्दी से क्या होगा, एकदम एक मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेना। बेटा रौनक, जल्दबाजी में अगर तुमने जवाब दिया कल जा करके 13 का 14 और 14 का 13 तो देख लेना। जल्दी बताओ ये इसका आंसर क्या होगा, ये कंप्लीट द सीक्वेंस हमें करना है फटाफट। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का तो एक बार जरूर देखना, जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन जरूर देखना, आपके आधे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड चमक रही है, एक मिनट रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, बोर्ड चमकेगी, बोर्ड की टेंशन मत लो तुम। हाँ ये लाइट थोड़ी सी ना बहुत चमक रही है, इसको बंद कर दो।
रुक जाओ यार, चमक रही है ना। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रुक जाओ एक मिनट दे दो इसकी। एक्चुअली ना लाइट इसके एकदम पीछे है, तो थोड़ा सा एक मिनट दे दो, मैं इसको ना ठीक कर दूं। स्क्रीनशॉट अपने को इतने से मतलब है ना, इतने से ज्यादा इसे मतलब नहीं है ना, ये उठा के लगी गया। एक मिनट दे दो। अब क्वेश्चन दिख गया सबको? क्वेश्चन दिख गया सर? क्वेश्चन वाला एरिया सही नहीं कर रहा। अब तो दिख रहा है मालिक, देख लो दिख रहा है, जल्दी बताओ क्या आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें हमारे सीक्वेंस को आगे हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, तो मेरे को बता देना, मैं ऑप्शंस को दिखा दूंगा, ठीक है? मैंने बहुत बड़ा कर दिया, मैं झुक जाता हूँ यहाँ पे। सर डज द एप्टीट्यूड सेक्शन हैव अ नेगेटिव मार्किंग? ऑब्वियसली डज योर एप्टीट्यूड सेक्शन हैव अ नेगेटिव मार्किंग। ओके, या इंदु कुमार, कुमार कुमारी जो भी हैं, आपके एप्टीट्यूड सेक्शन नेगेटिव मार्क्स कंटेन करते हैं। कोशिश करना गलत नहीं करने का, अगर आप नेगेटिव करते हो तो जो मार्क्स आया है वो भी कट जाएगा, ठीक है? अब हम ऑप्शंस देखते हैं फटाफट, ठीक है? थोड़ा सा कम करता हूं इसको जिससे आपको ये दिखने लगे, ठीक है? आई थिंक अब दिख जाएगा। फटाफट चेक करके बताओ मेरे को क्या होगा ऑप्शंस के आंसर्स। ऑप्शन सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम ऐसे ही जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर फोर ये कह रहा है, ठीक है? सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ऑब्वियसली अगर व्हाइट ब्लैक चल रहा है तो व्हाइट के बाद ब्लैक आएगा, तो जितने भी ऑप्शन में ब्लैक है सबको हमें रखना है, तो हमारे चारों ऑप्शन में ब्लैक अवेलेबल है तो हम ब्लैक रख लेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, यहां पे आया फिर एंड कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी अगर आप कंप्लीट द सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो तो याद रखना कि आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना है, ठीक है? तो हमारा ये जो डायरेक्शन है मूविंग का वो कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब की बार कहां पे आएगा, इधर आएगा, ठीक है? तो हम इन सारे ऑप्शन को रखते हैं जो हमारे क्लॉकवाइज में परफेक्ट जगह पे है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर टू है और ऑप्शन नंबर थ्री हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अब बाकी की चीजों को हम फटाफट काउंट करते हैं। हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस है ना वो चार है टोटल, ठीक है, हर क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है वो पांच है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस चार है। तो हमारा दो, ये दोनों ऑप्शन को तो मैंने पहले ही रॉन्ग कर दिया था, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर फोर है, ठीक है? क्लियर? इस तरीके से आप अपने एप्टीट्यूड के इस वाले कंप्लीट द सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिडन फिगर। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक शेप्स के अंदर आपके फिगर्स हिडन होते हैं, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है, बेसिकली खोजना होता है इस टाइप के शेप। इसमें आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। मेरे को जल्दी से बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें अवेलेबल है, फटाफट काउंट करके बताना, फटाफट काउंट करो और मेरे को बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें अवेलेबल है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रिक सिखाया है, अगर आपने अभी जवाब नहीं दिया ना दो मिनट के अंदर तो कल क्लास में आपकी खटिया खड़ी कर दूंगा। सत्ताईस, वेरी गुड, इतनी जल्दी मुझे तुमसे रिप्लाई चाहिए था सपना। अब देखो
एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इन सब क्वेश्चंस को जवाब देने में आपको, ठीक है। वेरी गुड सलोनी, कितने होंगे? 10+6+3+1 20, एक खत्म एक इन, एक खत्म एक इन, 20+7=27। गिनने की कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से सॉल्व करो, दो मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब मैं बेसिकली आता हूँ टॉपिक वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर कल आपके पास एग्जाम देने से पहले, ठीक है, ऐड आ गया था, कोई नहीं, अगर आपके पास कल एग्जाम देने के बाद टाइम बचे, ठीक है, मतलब एग्जाम दे दो और उसके बाद आपके पास टाइम बचे, ठीक है, मतलब एग्जाम देने से पहले आपके पास अगर टाइम बचे, तो थोड़ा सा कोशिश करना जो आपके टॉपिक्स हैं, फॉर द एग्जाम्पल जैसे जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाना। कुछ लास्ट मोमेंट के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना, गवर्नमेंट की नई नई क्या स्कीम्स आई है उसके बारे में पढ़ लेना। कोशिश करना कि आप जनरल अवेयर, मतलब जिस पे अभी मैंने 4-5 दिन पहले ना बहुत सारी वीडियोस डाली है, ठीक है। समझ नहीं आया? ओके, क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? वेदांत, तो जो भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपके अपडेट्स हैं वो आपको पता रहना चाहिए। सर नाटक के क्वेश्चन पेपर नहीं आए हैं? सर देखो, नाटक का क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, लेकिन मेरे को 6th और 7th दोनों के क्वेश्चंस पता है कि 6th of April को किस टाइप के क्वेश्चन आए और 7th of April को किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो दोनों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में मेरे को पता है, ठीक है। तो जैसे ही जेई मेन खत्म होता है, फिर से प्लीज, क्या ये ट्रिक वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या वेदांत? मैं थोड़ा सा एप्टीट्यूड सेक्शन के बारे में लास्ट मोमेंट के लिए बता देना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में आप क्या क्या चीजें पढ़ लो। फॉर द एग्जांपल जैसे लास्ट मोमेंट होता है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, तो जो भी गवर्नमेंट के नियर बाय स्कीम्स है उसके बारे में पढ़ लो। ठीक है, नहीं नहीं दूसरी वीडियो मैं अवेलेबल करूंगा सिद्धार्थ, मतलब मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे ना क्वेश्चंस वगैरह डाल दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर लो, और डेट्स कब से स्टार्ट हुए थे, फॉर द एग्जाम्पल जैसे कि एनवायरमेंट डेट है, तो सबसे पहले कब मनाया गया था, कौन से ईयर में मनाया गया था, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो इस टाइप के आप जब क्वेश्चंस कवर करोगे ना, तब आपके एप्टीट्यूड सेक्शंस मजबूत होंगे, मतलब आप एग्जाम देने लाइक हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कोशिश करना कि आप फटाफट आप इसको कर लो, जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम्स है इसके अंदर में आप जनरल अवेयरनेस कवर कर सकते हो, ठीक है, इन सब चीजों का कवर कर लो। देखो सिद्धार्थ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, इसमें मैंने सिंपल ही किया था कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगर इसमें सीखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मतलब बहुत सारे ट्रायंगल्स को हम इसी तरीके से घीच सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से हमने लिख लिया, और अगर हमने 1, 1 और 1, 2 हो गया, ठीक है, 1 और 1, 2 हो गया, 2+1, 3 हो गया, 3+3, 6 हो गया, और 6+4 हो गया हमारे 10, ठीक है, इस तरीके से हमने 10 लिख दिया। अब हमारे जो इस साइड का नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे, जब आपको इस तरीके से का क्वेश्चन दिखे जिसमें दोनों साइड इक्विवेलेंट हो, ठीक है, इक्वल हो, प्लस 10 तो कितने हो गए हमारे, 27 हो गए, ठीक है, और जब सॉरी 20 हो गए, 1+3+6+10 कितने हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए, तो उसके बाद हमें एक कट करना, अगला इन करना, कट करना, इन करना, तो 6+1 तो हमारे टोटल कितने हो गए, 27 हो गए, तुम काउंट कर लेना ये 27 ही है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट डेट्स तूने याद कर लिए हैं तो अब कोशिश कर कि इम्पोर्टेंट डेट्स कब से चालू हुए थे उसको भी एक बार देख ले, ठीक है। क्वेश्चन का कोई हाथ पैर नहीं होता, क्वेश्चन देने वालों के दिमाग तक कोई नहीं पहुंचता, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमने सब कुछ पढ़ रखा है तो हम जरूर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, लास्ट के कुछ मिनट्स बच रहे हैं तो फटाफट कर लीजिए, जो भी 15 मिनट में हो पाएगा इस गरीब से आपके लिए कर दूंगा, और क्या। व्हाट थिंग टू कैरी ऑन एग्जाम, देखो एग्जाम में कोशिश करना एक आधार कार्ड तो अपना लेके जाना, ठीक है, वाटर बोतल्स वगैरह लेके जाना, और वो ट्रांसपेरेंट होगा तो ज़्यादा बेटर है। पेंसिल कलर लेके जाना, स्केल वगैरह लेके जा सकते हो, स्केल वगैरह में कोई दिक्कत है नहीं, तो पेंसिल कलर और स्केल वगैरह लेके जाना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस। देखो मैंने बहुत कुछ बता दिया इस सेशन में, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब कोई नहीं, मतलब जब जाओ जो पढ़ा पढ़ा, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस देख लो अभी, ठीक है, अभी आपके पास एक दो घंटे हैं, देख करके आराम से सो जाओ, कल पेपर देने जाना और जो आएगा वहां पे लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सर नाटा में अभी स्केल ले जाना देंगे, हाँ ले जाने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने दे रहे हैं सेंटर पे, एग्जाम ले जाने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पे आप आराम से लेके जाओ, कोई इशू नहीं है, नाटा में भी अभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा, नाटा में भी आप आराम से लेके जा सकते हो। सर मैंने बी प्लानिंग भी फिल किया है तो मैं एक ड्राइंग करके मैथ सेक्शन वापस ड्राइंग सेक्शन कर सकता हूँ। देखो रिस्क मत लेना, मैंने जो तुम्हें बताया, ठीक है, अपनी बेसिक ड्राइंग को पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है, दोनों के, जैसे शेडिंग की बात आती है, ठीक है, जिसमें हमारा जो टाइम टेकन पार्ट है, अगर हम पोर्ट्रेट की बात करता हूँ, जैसे पोर्ट्रेट का क्वेश्चन है, ठीक है, अब पोर्ट्रेट का क्वेश्चन है तो इसमें क्या होता है, पहले तो सिंपल ड्रॉ करना पड़ता है, फिर इसमें शेडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारा टाइम लगता है शेडिंग करने में, तो एक नॉर्मल शेडिंग करके रखना, ठीक है। जब आप बी प्लानिंग के टाइम पे आओ, अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है, उन्होंने आपके पेपर को नहीं लिया है, तब आप जा करके इस पेपर में इम्प्लीमेंट करो, जो 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिला है 500 रुपये पे करके, 500 रुपये नहीं, फ्री में है ना, बी प्लानिंग के लिए तो कोई अलग से पैसे लगे नहीं है आपके, तो भैया उसका यूज करो, 30 मिनट का जो सेटिंग वेटिंग का पार्ट है वो उस 30 मिनट में इम्प्लीमेंट करो। मैं ये नहीं कहता कि एक ड्रॉइंग छोड़ के फिर जाओ करने के लिए, ठीक है, ऐसे में पता चलेगा एक ड्रॉइंग ही छूट जाएगा और इस बार का तुम्हारा चांस भी छूट जाएगा, ठीक है। हाँ स्केल का यूज कर सकते हैं, नाटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द टाइमिंग में कंप्लीट करना, विद इन टाइम में कंप्लीट करना ही तो खेल है भैया, तो इसके लिए ना घर ही पे नजर रखना और पेपर पे नजर रखना, दिमाग अपने अपने सही जगह पे चलेगा। मैंने बता दिया 50 मिनट से ज्यादा पोर्ट्रेट में लगाना मत, ठीक है, फास्ट करना, ऐसी सेटिंग के चक्कर में मत पड़ना जो बहुत टाइम लेती है, ठीक है, उन सब सेटिंग्स को मतलब अवॉइड करना, ठीक है। सर सीट होती, कंप्यूटर बंद हो जाता है अपने टाइम पे, हाँ सीट होती है, मेरे को पता है सीट होती है, इन फ्यूचर किसी सेंटर वाले का दिमाग फिरा हुआ हो और आपसे पेपर भी ले ले तो क्या करोगे, तो अगर वो पेपर ले लेता है तो उस जगह पे इस बात का अफसोस ना हो कि मैंने छोड़ रखा है वो क्वेश्चन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जल्दी 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 सवालों के जो भी तुम्हारे डेस्क हैं, देखो मैं बहुत कम लाइव आ पाता हूँ क्योंकि मैं क्लास लेने से क्लास अरेंज करवाने मतलब बहुत उधर मैं पजल हो जाता हूँ, तो इधर मैं बहुत कम आ पाता हूँ, तो आपके जो भी सवाल हैं, आपके पास और 13 मिनट है, आप पूछ सकते हैं, 10 बजे के बाद मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, आप जाइए चुपचाप जाके सो जाइए, जो भी मैराथन दौड़ना था आपने दौड़ लिया है, ठीक है, अब ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत है, और आराम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर स्ट्रेस अभी जाओगे ना बेड पे, नींद आने में कम से कम 1-1.5 घंटे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि कल पेपर है।
क्या अब क्लास लूंगा, सब कुछ तो बता ही दिया, मुझे लगता है क्लास की जरूरत है। अगर क्लास की जरूरत है तुम्हें तो मेरे को बता दो, मैं अभी आधे घंटे बाद आ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्लास की जरूरत है। सर थ्योरी वाले क्वेश्चन भी करा दीजिए। मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए नहीं करवा रहा ना, क्योंकि उस क्वेश्चन के ना कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे। मैं तुम्हें टॉपिक बता सकता हूँ, लेकिन ये टाइम ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें टॉपिक बताने जाऊँ। ठीक है, मैं अगर टॉपिक बताऊंगा और तुम्हें पता चले कि वो टॉपिक तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें नींद ही नहीं आ पाएगी। ठीक है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, लास्ट मोमेंट में सर आके कह रहे हैं ये भी पढ़ना था। ये सारे टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेटेड आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं थ्योरी में। मैं आज आपको लाइव सेशन में 19 बच्चे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ इन्हीं सब टॉपिक से आपके 60% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल आर्किटेक्ट्स अवार्ड्स, अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरी वीडियो अवेलेबल है। मैंने आजकल में ही एक वीडियो डाली है आर्किटेक्ट्स अवार्ड्स पे। ठीक है, अगर देखना चाहते हो तो देख लो, 20-25 मिनट की वीडियो है। लोगों से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा नहीं, पेंटर देयर पेंटिंग से आ सकता, ऑथर और बुक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ब्रिक से, फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो, आर्चेज, स्टेयर, स्टोन, आर्किटेक्चर वोकैबुलरी, आर्किटेक्चर स्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, टेंपल आर्किटेक्चर, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशन एंड कल्चर्स। ठीक है, मोर टॉपिक रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस एंड न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब टाइप से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जेईई मेन में। ये लास्ट मोमेंट में सिद्धि गुप्ता आप मेरे से टॉपिक पूछने आए हो, बताओ यार तुम, मतलब अभी मैं टॉपिक बताऊंगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज मैंने पढ़ी नहीं थी तो टेंशन में नहीं चले जाओगे तुम लोग? डीमोटिवेट नहीं होने का, मोटिवेटेड रहो। देखो आर्किटेक्चर में एसपीए से जो बंदा निकलता है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, अगर एसपीए से एक एवरेज स्टूडेंट निकलता है और एक अच्छे कॉलेज से कोई स्टूडेंट निकलता है, दोनों की सैलरी सेम है। स्टार्टिंग सबको 30,000 से ही करनी है मार्केट में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एसपीए और प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, मार्केट में उतरने के बाद आपको सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। ड्राफ्टिंग आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा किस तरीके से सीट बनाते हैं, किस तरीके से क्लाइंट के पास सीट जाती है। ठीक है, वो चीज तुम्हें तुम्हारा ऑफिस ही सिखाएगा और सिखाने के वो पैसे नहीं देता। ठीक है यार, रुक जा यार, मैं पानी पी के आऊं, तुम लोग परेशान कर रहे हो, 2 मिनट रुको। So does the negative marking decrease percentage? Always the negative marking जो होगी वो आपके marks को जितना हो सके उतना reduce करेगी। एक तो दिल का निशान क्यों रहता है नीचे? अच्छा मैं भी उड़ा सकता हूँ क्या? ओके सेल मास्टर करने वाले को डिफरेंस, मास्टर करने वाले को 4-5 हज़ार रुपए बढ़ा दो, सीखोगे भैया देखो मास्टर्स कर लो, कुछ भी कर लो, सीखोगे तो मार्केट में ही आके। तो मार्केट में सीखने के लिए ना, सिखाने के लिए ना, एक तो आर्किटेक्ट तुम्हें पैसे भी देते हैं। ठीक है, तो बहुत उपकार मानोगे। दूसरे इंडस्ट्री में ना पैसे दे करके सीखा जाता है, यहाँ पे तो कम से कम पैसे मिलते हैं सीखने को, जैसे मुझे मिल रहे हैं अभी। मेरा मतलब मेरा डिग्री अभी 15 दिन बाद कंप्लीट होने वाला, मतलब मैं आर्किटेक्ट 15 दिन बाद बनने वाला हूँ। ठीक है सर, ट्रेडिशन एंड कल्चर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ट्रेडिशन एंड कल्चर से देखो क्वेश्चंस तुम्हें एक टेबल बनवाया था मैंने, याद है क्लास में सपना? ट्रेडिशन और जो कल्चर है ना वो बस उसी टेबल का है। ठीक है, जो टेबल मैंने बनाया था जिसमें ना हर इंडिया के डिफरेंट पार्ट के ट्रेडिशन, कल्चर, लैंड्स, ये सारी चीजें आती है, वहां की एनवायरनमेंट, उसकी नॉलेज जो होती है वो आती है।
ठीक है, जिस दिन मैं डिग्री मतलब जिस दिन मेरी 10th सेमेस्टर की जोड़ी होगी ना, उस दिन मैं लाइव जरूर आऊंगा। ठीक है सर, मैथ्स के फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो एक बार क्लास में? मैं देखो भैया हकीकत बता रहा हूँ, मतलब मैं झूठ छुपाता नहीं हूँ किसी से। जो मैं हूँ, मेरा जो को फाउंडर है उसकी मैथ स्ट्रांग है, वो अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाता है। मेरा मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं एज अ ड्राइंग टीचर और एप्टीट्यूड टीचर हूँ। ठीक है, तो अगर वो अवेलेबल हो जाता है थोड़ी देर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके मैथ को थोड़ा सा देख ले। ठीक है, जो रियलिस्टिक है वो मैंने बता दिया आपको। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मैथ का टीचर हूँ, लेकिन हाँ मेरे को ड्राइंग और एप्टीट्यूड की नॉलेज है। आप मेरे से उनसे क्वेश्चंस करो, आई विल रिप्लाई। वैसे उसने टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बना रखी है मैथ की, आप जा करके देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है टिप्स एंड ट्रिक्स मैथ पे। चलो यार बज गए 10, बाय, गुड नाइट। रोहित सर अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी देर बाद अवेलेबल होंगे तो मैं उनको बताता हूँ। ठीक है यार, गर्मी बहुत जोर की लग रही। अरे लाइसेंस अभी थोड़ी मिलेगा भाई, लाइसेंस 9 महीने बाद मिलता। चलो बाय, गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर लिखना और फोड़ के आना, ठीक है? बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है इफ वन स्टूडेंट गेट 280 मार्क्स विदाउट निगेटिव मार्क्स एंड अदर स्टूडेंट 280 मार्क्स इंक्लूडिंग, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिपेंड यहाँ पे करता है भैया, 280 पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है एप्टीट्यूड और मैथ और ड्राइंग में। ठीक है, अगर आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में मार्क्स कटेंगे, ठीक है, और आपके ड्राइंग सेक्शन में मार्क्स कटेंगे, तो उन दोनों के जो परसेंटाइल होगा वो ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो गुड नाइट, सारे पुराने जो भी वीडियोस हैं जो अभी आए वो पीछे से एक बार वीडियो को देख लें। बहुत सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस की है जो कल के एग्जाम में आपकी बहुत मदद करनी